क्रांति की दिशा में नया भारत बढ़ता हुआ, ये देखिए ये मुख्य मंच आपके सामने है यहाँ पर, जहाँ से पीएम मोदी देश को 5G मोबाइल सेवाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 इवेंट के तहत आज 5G सेवा की सौगात मिलने जा रही है देशवासियों को, और पूरी उम्मीद की जा रही है, लोगों को पूरा भरोसा है कि 5G के लॉन्च होने से आम आदमी से लेकर देश की अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ मिलने जा रहा है। तो देखिए ये मुख्य मंच है जहां पर थोड़ी देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, और मोदी जी पहुंच गए हैं। देखिए ये ऐतिहासिक क्षण जब देश के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच गए और 5G सेवा की सौगात आज देशवासियों को मिलने जा रही है। फर्स्ट फेज की बात करें तो 13 शहरों में, मेट्रो शहरों में इसकी शुरुआत होगी, और हम आपको बता दें इवेंट का ये पहला दिन है, 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग होने जा रही है, और आपको बता दें छोटे बड़े शहरों में भी 5G सेवाओं का विस्तार इसके बाद फेज वन के बाद किया जाएगा। सीधी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं देश के नंबर वन न्यूज चैनल पर, और वो क्षण बेहद करीब आ गया है जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था हर आम से लेकर खास आदमी। आपको बता दें कि IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी पहले ही बयान जारी किया था, उन्होंने कहा था कि देश में 5G को धीरे धीरे अलग अलग फेज में लॉन्च किया जाएगा, पहले फेज के लिए 13 शहरों का चयन किया गया है जहां सबसे पहले 5G लॉन्च होगा। इनमें मेट्रो शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता शामिल है, मद्रास शामिल है, बेंगलुरु शामिल है, चंडीगढ़ का भी इस लिस्ट में नाम है। तो अलग अलग स्टॉल का निरीक्षण करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख रहे हैं, साथ ही साथ मंत्री अश्विनी वैष्णव, तो कई स्टॉल भी लगाए गए हैं यहाँ पर। हम आपको बता दें जब हम अभी फर्स्ट फेज की बात कर रहे थे तो इस फेज में 13 जो शहर हैं, जो आप ये कहें कि अगर आप इन शहरों के बाशिंदे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये शुभ समाचार आपके लिए, और वो 13 शहर हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, ये वो शहर हैं जो फर्स्ट फेज़ में यहाँ पर 5G सेवाओं की शुरुआत हो रही है। ये तस्वीर, ये ऐतिहासिक क्षण जिसके गवाह आप बन रहे हैं, और इसके लिए बाकायदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से लोगों से अपील की थी कि वो इस इवेंट का हिस्सा बने, प्रगति मैदान में आए और इसके गवाह बने। देखिए जैसे ही 5G सेवा की शुरुआत होती है इंटरनेट का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाएगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को होने जा रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ पहुंचने वाला है, और आम लोगों के लिए क्लाउडिंग, गेमिंग, कम्युनिकेशन में बेहतर एक्सपीरियंस उन्हें मिलने जा रहा है। तो एक तरह से ये संचार क्रांति आज कह सकते हैं आप एक इतिहास रचने जा रहा है, नया भारत, आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, और इस दरमियान देशवासियों को एक बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात, एक बड़ा गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट भी इसे कह सकते हैं आप, दशहरा गिफ्ट भी इसे कह सकते हैं आप। तो ख़ास तौर पर जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जो कई तरह के बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, लगातार युवाओं के लिए ख़ास तौर पर जिन्हें कई परेशानी आती है, वो स्लो इंटरनेट से परेशान रहते हैं, आप बफरिंग से परेशान रहते हैं, तो इसकी अब निजात होने जा रही है, आपको निजात मिलने जा रही है, इंटरनेट हाई स्पीड आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे 4G के कंपैरेटिवली, ये 10 गुना ज़्यादा इसकी रफ्तार होगी, 10 गुना ज़्यादा स्पीड होगी। तो सोचिए ज़रा कि अब आपके लिए वीडियो डाउनलोडिंग, अपलोडिंग कितना आसान, कितना स्मूथ होने जा रहा है, इसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है, उत्साह है। तो ये आज का ऐतिहासिक दिन, आज से भारत डिजिटल की दुनिया में एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है, रफ्तार की ऐसी क्रांति आज से शुरू होने जा रही है जो आपकी हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल कर रख देगी। देखिए मुख्य मंच की तरफ थोड़ी देर में जब पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री, अभी अलग अलग स्टॉल का निरीक्षण करते हुए, मुआयना करते हुए, अलग अलग स्टॉल को देखते हुए, तो भारत में 5G का इंतज़ार आज कुछ ही क्षण में ख़त्म होने जा रहा है, इंतज़ार की घड़ियाँ आपकी ख़त्म होने जा रही है। हम आपको बता दें कि दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट के तहत आज
5G सेवा की शुरुआत होने जा रही है, शुभारंभ होने जा रहा है। और हम आपको बता दें कि इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD मुकेश अंबानी भी मौजूद रहेंगे। और फिलहाल हम आपको अलग अलग तस्वीर भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो अलग अलग स्टॉल का मुआयना कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इन स्टॉल्स की खासियत क्या है, उसको उसकी बारीकियों को समझ रहे हैं। यहाँ पर मुआयना करते हुए अलग अलग स्टॉल का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हम आपको ये भी बता दें कि 5G तकनीक से मोबाइल और इंटरनेट के क्षेत्र में क्रांति आने जा रही है और इसका इंतज़ार काफ़ी वक्त से किया जा रहा था। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार, नया आयाम मिलने जा रहा है। तो बस कुछ ही क्षणों में 5G सर्विस की लॉन्चिंग होने जा रही है और देश में संचार क्रांति के एक नए युग का जन्म होगा। और आज की तारीख को लेकर, आज के दिन को लेकर लोगों में उत्साह भी है, लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। तो 1 अक्टूबर की ये तारीख जब आरंभ होने जा रहा है इंडियन मोबाइल कांग्रेस इवेंट, इसकी बाकायदा अभी विधिवत शुरुआत करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल अभी अलग अलग स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं और बाकायदा जो अलग अलग स्टॉल्स पे लोग मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है, उनसे चर्चा करते हुए, बातचीत करते हुए देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि जो 4G सर्विस को आप इस्तेमाल कर रहे थे, फिलहाल खबरें ये आ रही हैं कि जो 5G प्लान होगा, जो 5G की सर्विस होगी, उसकी कीमतों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, करीब करीब वही कीमत रहेगी, वही चार्ज रहेगा इस प्लान के लिए। तो एक बड़ी और अहम बात ये है कि ना सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ना सिर्फ बिजनेस के पर्पस से, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव आएगा इस संचार क्रांति के बाद। 5G सेवा से बहुत सहूलियत मिलने जा रही है और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, ये बहुत आसान होने जा रहा है। देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जब हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावभंगिमा अभी आप देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पूरी रुचि के साथ बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल जवाब भी कर रहे हैं, जो अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो अब 3D का भी एक बेहतर लुत्फ उठा पाएगा आम आदमी, जिस तरीके से अभी यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इसका एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग अनुभव। जो बात हमने कही, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी एक बड़ा बदलाव, देखिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जब भी हम प्रधानमंत्री को देखते हैं किसी इवेंट पे पहुँचे हुए, नई चीज़ की जब शुरुआत होती है तो एक बच्चों की तरह क्यूरियोसिटी होती है, उनमें वो जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर बहुत हद तक मुमकिन के उन्होंने यहाँ पर 3D वीडियो देखने समझने की कोशिश की है। फिर अब एक नए स्टॉल की तरफ बढ़ते हुए और कुछ ही क्षणों में मुख्य मंच पर मौजूद होंगे प्रधानमंत्री। फिलहाल
जो इस पूरे प्रगति मैदान में अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, कई एग्जीबिटर्स यहाँ पर आए हुए हैं उनके अलग अलग स्टॉल्स का मुआयना करते हुए।